हाय गाइस, मैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये है नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट के ऊपर। रिसेंट टाइम में मैंने बहुत सारे वीडियोस, फोटोज अपने क्लाइंट्स के अपलोड किए उनके परमिशन के साथ कि मैंने जो उनको नॉन सर्जिकली फेसलिफ्ट किया, उनके फेस का शेप चेंज किया, जो उनका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन किया वो कैसे किया। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन, कम से कम 200-3,000 मैसेज आ चुके हैं और मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ बट रिप्लाई हम लोग नहीं कर पा रहे, टीम भी रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि रेगुलर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबके जो जनरल क्वेश्चंस हैं मैं उनके लिए क्लियर आउट करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपके मैक्सिमम डाउट को मैं क्लियर कर दूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, मेरी क्लिनिक है पॉइजन स्किन क्लिनिक जो कि भोपाल में बेस्ड है। मैं 2009 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी क्लिनिक इंदौर में भी है और पुणे में भी, बट मैं मेनली भोपाल में रहता हूँ। ठीक है, नॉन सर्जिकल फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें हम नॉन सर्जिकली विदाउट एनी सर्जरी हम फेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम हम जितना उसको एनहेंस कर सकें, लुक्स को और फेस को वी शेप दे सकें। बहुत सारे लोगों के फेस को जो जैसे हमारी एजिंग होती है हमारा फेस स्क्वायर फेस होने लगता है, ढलने लगता है, ये पूरा चौड़ा होने लगता है। अगर आपकी चिन छोटी है, अगर आपके जॉ नहीं आ रहे हैं, जॉ आपके शार्प नहीं है या आपके चीक बोन मतलब लिफ्ट अप नहीं है, डाउन हो रहा है, तो हम इसको फिलर के थ्रू एनहेंस कर सकते हैं। इसमें हम लोग करते क्या टेक्निक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटली सेफ है, पेनलेस है, इसमें पेन बहुत मिनिमम, पेन मतलब बहुत ही कम, पता भी नहीं चलेगा आपको, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। इसमें हम एक क्रीम लगा देते हैं जैसे आपकी नमिंग क्रीम होती है, आपको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। मैं नॉन सर्जिकल फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करता हूँ फिलर्स। फिलर्स क्या होता है, फिलर्स को हम एक हाइलुरोनिक एसिड जो हम फिल कर देते हैं तो वो शेप देने के लिए काम में आता है। और बहुत से लोग बोलते हैं इट्स अ फोटोशॉप, फोटो एडिट, यार वीडियोस डाल रहा हूँ यार, वीडियोस में क्या फोटो एडिट होगा। तो ये फिलर्स के थ्रू, अगर आपने फिलर्स के बारे में जानते होंगे, आपने कभी कराया होगा तो आपको पता होगा फिलर्स के थ्रू हम शेप अप कर सकते हैं। तो अगर आपकी चिन छोटी है, चिन आपकी छोटी है, तो अगर आपको इसको भरवाना है तो हम यहाँ पे फिलर डालकर उसको शेप कर सकते हैं, तो हम उसको वी शेप एनहांस कर सकते हैं, आपको फेस को लंबा कर सकते हैं। अगर आपकी जॉ लाइन आपको चाहिए तो हम यहाँ पे फिलर डाल के उसको जॉ को भी शार्प कर सकते हैं। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम बोटॉक्स डाल के मेसोथेरेपी में उसको हम श्रिंक कर सकते हैं। अगर आपकी चीक बोन एकदम यहाँ का फैट पैड नहीं है या चीक बोन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, आपकी स्किन डाउन हो, तो हम यहाँ पे इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं थ्रू फिलर्स। दूसरी बात, अगर हम बोटॉक्स, अगर आपको रिंकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो हम उसको बोटॉक्स के थ्रू रिंकल्स को खत्म कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन लूज है तो हम उसमें थ्रेड लिफ्ट डाल के उसको टाइट करते हैं। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच टेक्निक, हम जो मैं जो यूज़ करता हूँ मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन करता हूँ अलग अलग चीज़ों के, और इसके थ्रू हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट करते हैं। लिप्स को शेप देना है तो हम फिलर के थ्रू दे सकते हैं। इसमें कॉस्टिंग कितनी आती है, लोगों का डाउट है इसमें कॉस्टिंग क्या है, तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है, फिलर्स की कॉस्टिंग आती है 16,000 रुपये एक सिरिंज का, 1 ml 16,000 पर ml, 1 ml ऑफ फिलर वी चार्ज। तो कितना कॉस्ट आएगा एक जनरल चेहरे में, एक फेस में। तो चिन को अगर आपको इन्हेंस करना है तो एटलीस्ट 1 ml तो हमें लगेगा, और ज़्यादा आपको शार्प चाहिए तो 1 या 2 ml या 3 ml में बहुत अच्छा वी शेप शार्प हो सकता है। अगर आपको जॉ लाइन को शार्प करना है तो 1 ml यहाँ पे, 1 ml यहाँ पे, तो मैं 16,000 यहाँ पे, 16,000 यहाँ पे, 16,000 यहाँ पे, तो 3 सिरिंज अगर यूज़ हो रही तो 16, 16, 16। ठीक है, अब आप बोलोगे 16,000 बहुत ज़्यादा है। गाइज अगर आपने फिलर के बारे में पूछा होगा किसी भी डॉक्टर से तो 20,000 से 25,000 रुपये चार्ज करते पर ml। ऑफकोर्स फिलर इज़ वेरी कॉस्टली, और मैं क्यों कम चार्ज कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बल्क में खरीदता हूँ, सिरिंज 1,000 सिरिंज 2,000 सिरिंज एक साथ परचेस करता हूँ, मेरे को सस्ता पड़ता है। बट जनरली कॉस्टिंग इतनी ही है, 20,000 से 25,000 रुपये पर ml। तो मैं जो चार्ज करता हूँ वो 16,000 से 16,000 रुपये पर ml चार्ज करता हूँ। डिपेंड करता है क्या कंडीशन आपकी, उसके अकॉर्डिंग उस पर हम चार्ज करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शेप चाहिए, कुछ चाहिए, शार्पनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपको 4, 5 सिरिंज, 6 सिरिंज, 7 सिरिंज भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ बोटॉक्स हम यूज़ करते हैं ताकि आपको आईब्रो लिफ्ट दे सकें, रिंकल्स को ख़त्म किया जा सके। अगर आपका बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है तो हमें थ्रेड डाल के भी इसको खींच के टाइट करना पड़ेगा, तो वो भी थ्रेड लिफ्ट भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब उसकी कॉस्टिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। डिपेंड करता है, अगर आपको डबल चिन बहुत ज़्यादा फैट यहाँ पे तो हम उसमें मीसोथेरेपी की कॉकटेल डाल के उसको डिजोल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसमें मिनी लाइपोसक्शन करके भी फैट को जनरली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी जो मेरे वीडियोज़ और फोटोज़ मेरे पेशेंट के हैं आप वो देख सकते हैं, उसमें जनरली मैंने यही टेक्निक यूज़ की है। तो इसमें हम नॉन सर्जिकल फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यही है। इसमें आपको हम नॉन सर्जिकली डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम टेलर्ड एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर मैं उसको ट्रीट करता हूँ। जनरली मेरी क्लिनिक भोपाल में है, मैं भोपाल बेस्ड हूँ, बट मैं जनरली बॉम्बे दिल्ली विजिट करता हूँ वंस इन अ मंथ, और वहाँ पे मेरे पेशेंट्स इकट्ठे रहते हैं, मैं वहाँ पे जाके उनको ट्रीट करके आता हूँ। तो अगर आपको कहीं भी अगर आप भोपाल आ सके तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप दिल्ली बॉम्बे में मेरी टीम से अपना अपॉइंटमेंट सेट करके आप वहाँ पे मेरे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लिप को शेप देना है, चाहे चिन को शेप देना है, चाहे आपको फेस को चौड़ा है तो उसको पतला करना है, पतला है तो उसको चौड़ा करना है, हम सब कुछ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सबकी कंडीशन के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल फिलर से, बोटॉक्स से, थ्रेड लिफ्ट से टाइट करके, मेसोथेरेपी करके या लाइपोसक्शन करके कुछ करके मैं आपको एकदम शाहरुख खान बना दूंगा या माधुरी दीक्षित बना दूंगा। इट्स नॉट दैट पॉसिबल, बट येस आप सुंदर हैं, मैं आपकी सुंदरता को और ज़्यादा एनहेंस कर सकता हूँ थ्रू दीज नॉन सर्जिकल टेक्निक्स। जो मैं अभी आप मेरे रिजल्ट देखेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे ये नॉन सर्जिकल टेक्निक्स है, और इसमें टाइम लगता है हाफ एन आवर टू वन आवर, डिपेंड करता है क्या क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये पेनलेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पेन होता नहीं है, हमें क्रीम लगा देते हैं, सोन हो जाता है, दर्द नहीं होता, इट्स ऑल सेफ। डिपेंड करता है आप किससे करा रहे हैं, डॉक्टर के टेक्निक्स होती है। मेरी जो टेक्निक है इट्स वेरी गुड, मेरे 2009 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी 40 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ दे आर वेरी गुड, और सबके काम अलग अलग होते हैं, और भी डॉक्टर्स कर रहे हैं, बट दे ऑल हैव डिफरेंट टेक्निक। अगर आप सोचा कि मैंने फिलर कराया था या मैंने बोटॉक्स कराया था मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो ये दिमाग से निकाल दिए, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स। तो अगर आपको चाहिए, आपको कोई भी एनहेंस चाहिए, आपको चेहरे का लुक चेंज करना है या आप अपने पुराने लुक से बोर हो चुके हैं, तो प्लीज़ ये नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपने लुक्स को मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लुक को चेंज करने की कोशिश करूँगा और आपको और ज़्यादा सुंदर, आपकी सुंदरता को और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करूँगा। और स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। इसके अलावा कोई डाउट है तो मैं आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, बट ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एक बार, इसमें ऑलमोस्ट सारे डाउट मैं क्लियर कर दिए हैं जो जनरल क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, इट्स हाफ एन आवर टू वन आवर प्रोसीजर। मैं भोपाल बेस्ड हूँ, दिल्ली बॉम्बे में विजिट करता रहता हूँ, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसमें हम फिलर यूज़ करते हैं, बोटॉक्स यूज़ करते हैं, थ्रेड लिफ्ट यूज़ करते हैं, मेसोथेरेपी कॉकटेल यूज़ करते हैं एंड एनर्जी बेस्ड डिवाइस यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है क्या नीड है। कॉस्टिंग्स की डिपेंड करता है, 16,000 रुपये पर सिरिंज के फिलर का कॉस्टिंग आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शेपअप चाहिए तो आपको कम से कम 4 से 5 सिरिंज यूज़ करना पड़ सकता है, और ज़्यादा आपको शेप चाहिए तो उसमें जितना ज़्यादा हम गोल्ड डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं आपके मैसेज का वेट करूंगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइज सिर्फ हाय हेलो मत लिखो, पूरी अपनी फोटोज़ के साथ मुझे मैसेज करो। अपने जो भी डाउट है आपका, कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो पूरा अपना फेस का क्लियर फोटो भेजो और उसके साथ मुझे अपना क्वेश्चन भेजो, तो मैं आपको क्वेश्चन को कोशिश करूँगा आंसर करने की, बिकॉज जस्ट जनरली हाय हेलो में ही टाइम निकल जाता है, मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पाता हूँ और चिट चैट का टाइम नहीं बचता, तो टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, बाय, और मिलते हैं बहुत जल्दी भोपाल में, दिल्ली या बॉम्बे में।